प्यारे दोस्तों टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी एन एम की रिकार्डिंग में देने वाला हूं एन के लिए आज के डेट में कई सारे बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं साथ ही में दोस्तों स्वास्थ्य विभाग के कई सारे कर्मचारियों का सैलरी बढ़ा दिया गया है इंक्रीज कर दिया गया है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और जो भी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आज के डेट में अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं सभी अपडेट अपडेट्स आप सभी को बताएंगे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा चलिए दोस्तों जानकारी को शुरू करते हैं और आप सभी को डिटेल्स में जानकारी बताते हैं तो सबसे पहला अपडेट यहां पर मैं बता देना चाहता हूं तेजस्वी यादव के माध्यम से ऑफिशियली ट्वीट आ चुका है अब ट्वीट क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं बिहार स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आशा आशाकर्ताओं का सैलरी बढ़ा दिया गया है जी हां दोस्तों जो एक हजार रुपये वहां पर मिलता था महीना उसी को बढ़ा करके पच्चीस कर दिया गया है करीबन आप कर सकते हो यहाँ पर अढ़ाई गुना सैलरी बढ़ा दिया गया है साथ में यहाँ पर कई सारे और भी यहाँ पर कर्मचारियों का यह बढ़ाया गया है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिनमें कि यहाँ पर आशा बहने साथ में जो फैसिलिटर आते हैं उन सभी का भी बढ़ाया गया मैं आपको बता देना चाहता हूँ आशा एवं आशा फैसिलिटरों के लिए और कई सारे चीजों में और भी बढ़ोतरी किया गया आपको पता होगा इनका पर डिलीवरी जो चार्ज रहता है उसमें भी थोड़ा बहुत इंक्रीज किया गया है और यहां पर टीकाकरण में भी कुछ यहां पर शुल्क जो कि निर्धारित किए गए हैं जो भी यहाँ पर रूटीन होंगे वो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो दोस्त तो एक तरीके से आप सभी समझ सकते हो कि सैलरी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है दूसरा बहुत बड़ा अपडेट आप सभी के लिए होने वाला है जो कि स्वास्थ्य विभाग के ही रिकॉर्डिंग में है देखिए सूचना 20 नौ दो यानी कि 20 सितंबर की डेट में पारित हो गया था देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं पहले क्या था कि जिला स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से समिति के माध्यम से जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज ही निकलते थे निकलते थे लेकिन अब यहां पर परमानेंट वैकेंसीज भी निकल सकेगा यहां पर अपडेट जारी किया गया मुंगेर के माध्यम से जहां पर कि देखिएगा सैलरी भी आपको चालीस के करीबन एन के लिए देखने को मिलेगा फार्मासिस्ट के लिए भी यहाँ पर चालीस के जो कि अकॉर्डिंग मिलेगा जो कि ड्रेसर के लिए भी यहाँ पर तेईस चौबीस तक सैलरी आपको देखने को मिलेगा

आपको व्हाट्सएप करना है और व्हाट्सएप में यही करना है कि सर मुझे मंजिल बैच चाहिए फिर सु पेमेंट कीजिए उसके बाद आपको उसके यहां पर काम से एनिम को अब मुक्त किया जा सकेगा बहुत सारी ऐसी बहने थे जो कि ऑनलाइन काम से मुक्त मांगते थे तो उनको लेकर चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी बैठक हुआ जहां पर सदर अस्पताल में बैठक हुई तो वहां पर यह उद्देश्य लिया गया है कि यहां पर जो एने में उनके एक तरीके से जो डिजिटलाइज काम होते हैं, जो ऑनलाइन काम होते हैं, जो कि ऑनलाइन चढ़ाना होता है उसमें उनको छूट दी जा सकती है या फिर मुक्त किया जा सकता है और सैलरी का भी बात किया गया कि सैलरी भी काटी नहीं जाएगी जो सैलरी मिलती है वो सैलरी मिलते रहेगी इसके बाद दोस्तों बात करें वेतन को लेकर के तो वेतन बहुत सारे जो कि विभागियों में खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग मुजफ्फरपुर में कई आ, महीनों से यहां पर जो कि वेतन नहीं दिया गया है लैब टेक्नीशियन के लिए और वही अपडेट बताया गया मैं आपको बताना चाहता हूं जो भी लैब टेक्नीशियन वाले भाई हैं हमारे सभी के सभी संविदा पर काम कर रहे हैं और उनको बारह महीने से यानी कि एक वर्षो से अभी तक उन्हें वेतन नहीं मिला है मानदेय नहीं मिला है जिसको लेकर के ये अपडेट है तो ये एक सर्वनाक बात है स्वास्थ्य विभाग के लिए बाकी अपडेट्स आप सभी के लिए यही थे अगर आपको जानकारी पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मिलते हैं दोस्तों को इंस्ट्रूमेंट तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद जय भारत बने मातरम थैंक यू फॉर वॉचिंग धन्यवाद